बेल आइकन को दबाना ना भूले। हम राजपूत हैं। हम राजपूत हैं। हम राजपूत हैं। उत्तराखंड में राजपूतों के कई टाइटल हैं, जैसे नेगी, बिष्ट, रावत, गुनसाई, भंडारी आदि। बिष्ट टाइटल का इस्तेमाल उत्तराखंड में ज्यादातर राजपूतों द्वारा और कुछ ब्राह्मण जाति बहुत कम द्वारा किया जाता है। बिष्ट कोई जाति न होकर उपाधि है जो कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू के राजपूतों को दी गई थी। बिष्ट राजपूत उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में, हिमाचल के बुशहर, रामपुर स्टेट और जम्मू के राजौरी में कम संख्या में पाए जाते हैं। पूर्व में राजाओं द्वारा जमीन संबंधित अधिकार व राज दरबार में मंत्री व वजीर का कार्यभार संभालने के कारण बाहर मैदान से आए राजपूतों को दिया जाता था। बाद में बिष्ट जमींदारी से जुड़ा टाइटल हो गया। बिष्ट राजपूत ने राज भी किया है, जैसे राजा हरु सिंह बिष्ट, इन्होंने अल्मोड़ा केसल्ट से राज भी किया था। याया प्रिय होने के कारण इन्हें आज भी उत्तराखंड के लोग देवता के रूप में पूजा भी होती है। इसी प्रकार राजा समर सिंह बिष्ट भी हुए हैं। बड़े ही अफसोस की बात यह है कि इनका और इन जैसे अनेक राजपूतों को इतिहास कहीं भी नहीं लिखा गया है, बस लोक कथा और मौखिक साहित्य में ही इनके बारे में पता लग पाता है, जिससे इनके राज्यकाल, शासन व्यवस्था और वीरता का वर्णन भी कम उपलब्ध है। बिष्ट टाइटल में कई राजपूत वंश पाए जाते हैं, जैसे सूर्यवंशी, चौहान, परमार, परिहार, चंदेल, पुंडीर, राठौड़, गौड़, गहरवार आदि। उत्तराखंड में विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं बन गई है, जो कि स्थान के नाम से आरंभ होकर कालांतर में जाति परिवर्तित हो गई है। लोग जाति का उपयोग करने लगे, वंश नाम भुला दिया गया है। यह सबसे दुखद है, लेकिन कुछ को अपना वंश अभी भी पता है। बिष्ट राजपूतों के ऋषि गोत्र भारद्वाज, कश्यप, उपमान्य है, शाखा मंध्याकिनी है, प्रवर त्रिप्रवर, पंच प्रवर है। बिष्ट शब्द विशिष्ट शब्द का ही अपभ्रंश है, जिसका अर्थ विशेष, सामान्य, उच्च, स्पेशल आदि है। यह एक टाइटल मात्र है, जिसका जाति या वंश से कोई संबंध नहीं है। निरंतर पीढ़ियों से प्रयोग में लाए जाने के कारण लोगों को यह जाति का आभास होने लगा, जबकि जाति से इसका कोई मतलब नहीं है। कुमाऊं में चंपावत के उच्च कोटि के ब्राह्मण बिष्ट टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार राणा, नेगी, रावत, भंडारी, गुनसाई, यह सब व्यावसायिक टाइटल मात्र है और कुमाऊं, अल्मोड़ा जिले के बिष्ट यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से आए हैं, लेकिन आने का समय निश्चित नहीं है। उपमान्य गोत्र के बिष्ट गढ़वाल में, साबली में, उज्जैन से आए, फिर कुमाऊं में स्थापित हुए। ये परमार राजपूत है जो साबलिया बिष्ट कहलाते हैं। बिष्ट गढ़वाल में कुमाऊं से ही गए हैं, जो राजा बाज बहादुर चंद और देवी चंद के साथ गए थे। बिष्ट राजपूतों ने कुमाऊं के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राजा रुद्रचंद व राजा सोमचंद की सेना व सिविल अधिकारी भी रहे थे। अधिकारी ये राजपूत बिष्ट राजपूतों का ही एक सब डिवीजन है। इनका गोत्र भारद्वाज है। इनकी भी तीन शाखा है, रेहुनिया, नेनिया, माहुलिया। राणा बिष्ट यह भी बिष्ट की उसी शाखा से है और वही गोत्र है। ये भी चित्तौड़ से बाज बहादुर चंद के समय 17वीं शताब्दी में द्वारहाट के मठपाल के द्वारा लाए गए थे। ये सिसोदिया राजपूत हो सकते हैं। मिराल बिष्ट भी इन्हीं राणा के बंधु है, जो सिसोदिया, गहलोत हो सकते हैं। मेहरा या मेहर बिष्ट ये भी मंध्याकिनी शाखा के है और गोत्र भारद्वाज और कश्यप है और प्रवर तीन है।
भारद्वाज गोत्र के मेहरा बिष्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आए हैं और काली कुमाऊं के सिरमौली में आकर बस गए थे। वहीं से अयंत्र फैले हुए हैं, जैसे पुंडीर बिष्ट पुंडीर, परिहार या परिहार बिष्ट, परिहार, जलाल बिष्ट, परमार, धमामा बिष्ट, चौहान, मेहरा बिष्ट, चौहान, महार बिष्ट, पंवार, कोफोला बिष्ट, तिमले बिष्ट, नयाल बिष्ट, जीना बिष्ट, खड़ेती बिष्ट आदि, परंतु ज्ञान के अभाव में ज्यादातर को अपने वंश का नहीं पता। शादी विवाह अपनी जानकारी में करते हैं, लेकिन गोत्र और जाति का भेद रखा जाता है ताकि रक्त शुद्धता बनी रहे। रीति रिवाज अलग होने के कारण अन्य राज्यों के राजपूतों से विवाह संबंध नहीं करते।